स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, किसमें लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है, सबको समझ में आ गया? डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गई? हमेशा जिस तरफ हम डिस्प्लेस करेंगे ब्लॉक को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है? अगर आपने एलोंगेट किया तो अंदर की तरफ लगेगा, कंप्रेस किया तो बाहर की तरफ लगेगा। समझ में आया? समझ में आता, ठीक है? एक और पॉइंट याद रखो, स्प्रिंग मैंने आपको बताया था मासलेस होती है, इसलिए पूरी स्प्रिंग में, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है 20, तो पूरी स्प्रिंग में नीचे से लेकर ऊपर तक कितना लगेगा? 20 न्यूटन ही लगेगा। 20, समझ में आया? हाँ सर। वैसे इसमें जितना यहाँ पर कितना लग रहा है 50 sin 37, मतलब 30, तो पूरी स्प्रिंग में 30 न्यूटन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग मासलेस ली हुई हमने। समझ में आया? तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, जो स्प्रिंग है वो मासलेस है, ठीक है? हेंस फोर्स इज सेम इन फुल स्प्रिंग। पूरी स्प्रिंग में फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आया? अच्छा, इस स्प्रिंग फोर्स का अगर मैं एक्स के साथ ग्राफ बनाऊं, स्प्रिंग फोर्स का अगर मैं एक्स के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? एफ इज इक्वल टू होता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ के एक्स, ये होता है ना? हाँ यस सर। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्लोप नेगेटिव होगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। समझ में आएगा? हाँ सर, स्लोप नेगेटिव होगा। तो एक्स पॉजिटिव होगा तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगा, और एक्स नेगेटिव होगा तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। नाउ जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, इसको दो तरफ से लोगों ने पकड़ा हुआ, इधर से इसने और इधर से इसने, ठीक है? मान लो इसने इसको X1 से इलोंगेट किया, यहां से इतना खींच लिया, और मान लो इसने X2 से इलोंगेट किया इस स्प्रिंग को, है ना? ये इस टाइम पर ये नेचुरल लेंथ पर थी, यहां पर ये NL मतलब नेचुरल लेंथ। समझ में आया? So, हमसे पूछा टोटल एलोंग, हमसे पूछा स्प्रिंग फोर्स इन द स्प्रिंग, फाइंड बताओ, फाइंड FSP, स्प्रिंग फोर्स बताना है हमें कितना होगा, निकालो। तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इसने एलोंगेशन इधर किया तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, बस ये माइनस ये बताता है, हमेशा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। इसके लिए स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव है, इसके लिए राइट में लग रहा है, इसके लिए लेफ्ट में लग रहा है, लेकिन लगेगा तो एक वाली। समझ में आया? यस सर। तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे माइनस में लग रहा है, इसके लिए तो प्लस में है ना, इस वाले के लिए तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है आपको। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू एक्स, एक्स क्या होता है? एलोंगेशन। तो यहाँ पर टोटल एलोंगेशन कितना होगा बताओ? X1 प्लस X2 हुआ ना, समझ में आया? yes. हाँ, पहले इसकी नेचुरल लेंथ इतनी थी, X1 इधर से और X2 इधर से को बढ़ा दिया, तो एलोंगेशन कितना हुआ? नेचुरल लेंथ से एक्स्ट्रा इसकी कितनी लेंथ बढ़ गई? X1 प्लस X2 बढ़ गई ना। समझ में आया क्या? yes. Yes, sir. So, ये X की वैल्यू यहाँ रख दो, सर आवाज नहीं आ रही।
स्प्रिंग इसको तो kx1 लगाएगी, ऐसा नहीं सोचना है, और इसने x2 से elongate किया तो इसको kx2 लगाएगी, अलग अलग थोड़ा ना लगाएगी दोनों दोनों पर स्प्रिंग, सेम फोर्स लगाएगी जैसे स्ट्रिंग लगाती थी सेम दोनों तरफ, जैसे स्प्रिंग भी सेम लगाएगी, कितना लगाएगी ये इतना लगाएगी, क्योंकि इलोंगेशन x1 या x2 नहीं हुआ है, टोटल इलोंगेशन हुआ है x1 प्लस x2, समझ में आया क्या? यस सर, लिख लो निकलिया। यस हमसे पूछा फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग, स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, बताओ जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया आंसर, नहीं आया अभी तक, चलो नीचे से शुरू करो उसको, यहाँ पर इस पे कितना लग रहा है नीचे 20 न्यूटन है ना? यस सर, इस पे 20 न्यूटन नीचे लग रहा है फोर्स, और ये रेस्ट पर है तो इस पे ऊपर भी 20 न्यूटन ही लग रहा होगा, समझ में आया? हाँ यस सर, यस सर, बस नाम ही तो अलग है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, मान लो स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग लगता, टेंशन लगता, और ये 20 न्यूटन इस ब्लॉक पर नीचे लग रहा होगा, ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग भी दोनों तरफ से खींचेगी इसको जैसे स्ट्रिंग खींचती है, समझ में आया? कितना पूरी स्प्रिंग में सेम रहेगा ना, समझ में आया क्या? yes, प्लस इसका वेट 40 न्यूटन नीचे, तो ये ब्लॉक 4 केजी भी तो रेस्ट पर है, तो इस पर नीचे 40 प्लस ये 20 स्प्रिंग का फोर्स, तो ऊपर टेंशन लग रही होगी ना, इसकी एफडी बना लो ना, नीचे 4 केजी की, नीचे 40 लग रहा है प्लस 20 लग रहा है स्प्रिंग वाला, तो ऊपर टेंशन कितनी लग रही होगी? 16 न्यूटन, सिंपल क्वेश्चन था, तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ आया समझ में? यस सर, यस सर, अगर मैं स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग दे देता तो तुम्हारा आंसर आ जाता, तुम्हारा सबका, स्प्रिंग से क्यों डर गए फिर? अरे बात एक ही है, स्प्रिंग हो या स्प्रिंग हो कोई फर्क पड़ता है क्या? फोर्स तो उतना ही आएगा ना, 20 जितना इसका वेट है उतना ही फोर्स आएगा ऊपर, समझ में आया? yes. अगर फिर भी तुम्हें स्प्रिंग से प्रॉब्लम हो जाती है तो तुम चाहो तो इसको स्ट्रिंग बना लो, क्योंकि मेरा कहना क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्प्रिंग की जगह क्या कर लो तुम, स्ट्रिंग बना दो, समझ में आया क्या? अब सोल्व कर लो। हाँ यस सर, नाउ एक और क्वेश्चन करो, सबको स्प्रिंग बैलेंस पता है ना क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस में भी तो ये स्प्रिंग लगी होती है,
यस सर। तीन स्प्रिंग बैलेंस है, मासलेस है सब, ठीक है। हमसे पूछा फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंसेस, इन तीनों की रीडिंग बतानी है, बताओ क्या रीडिंग आएगी। बोलो क्या रीडिंग आएगी। सर फर्स्ट जो नीचे से ऊपर फर्स्ट और आएगा उसके अंदर 15 न्यूटन आएगी। बाद में सर सेकंड में 25 और उसके नीचे वाले 25/2। क्यों हाफ क्यों हो गई सर? क्योंकि सर वो स्प्रिंग बैलेंस हर एक अलग अलग फोर्स पे जाएगा या फिर डबल हो जाएगी, मुझे उसमें डाउट है सर। क्यों हो जाएगी? अपनी मर्जी से थोड़ा ना डबल या हाफ हो जाएगी। इसमें 50 है तो इसमें 25 हो जाएगी। हो सकती है ऑब्वियसली, बीच में कोई मास है क्या? तीनों मासलेस है, तीनों मासलेस है ना, तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों स्प्रिंग में सेम स्प्रिंग फोर्स रहेगा। जब बीच में कहीं मास आता है तो फिर वैल्यू चेंज होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ से 4 kg हटा देता, 4 kg हटा देता, तो इसमें जो 20 न्यूटन होता वही इसमें 20 न्यूटन होता, होता कि नहीं होता? बीच में दो मास है जिनकी कोई मास ही नहीं, समझ में आया क्या? Yes, तो जो रीडिंग इसमें आएगी वही रीडिंग इसमें आएगी, वही रीडिंग इसमें आएगी, ऑल विल हैव सेम रीडिंग, समझ में आया? सो क्या रीडिंग आएगी? या तो आप 50 न्यूटन बोल दो या फिर 5 किलोग्राम फोर्स बोल दो या किलोग्राम वेट बोल दो, समझ में आया क्या? Yes, sir. रीडिंग क्यों चेंज हो जाएगी? बीच में कोई मास एड कर दिया क्या मैंने? रीडिंग चेंज हो जाएगी, इस पे नीचे 50 लग रहा है ना, तो यहाँ पर भी 50 लगेगा, तो तीनों स्प्रिंग में 50-50 ऐसे लगेगा, समझ में आया? सर मुझे वो ना वो स्क्वायर डाला तो मुझे लगा उसका भी मास कुछ इसलिए बोला ना मैंने स्क्वायर सब स्प्रिंग बैलेंस मासलेस है। मान लो इनका आपको ये भी गिवन होता K1 K2 K3 स्प्रिंग कांस्टेंट, तो क्योंकि फोर्स सेम है तीनों में, फोर्स सेम है तो सर एलोकेशन भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? K1 K2 K3 अलग है ना, तीनों में फोर्स सेम है तो K1 X1 की वैल्यू सेम होगी। K1 X1 is equal to K2 X2 is equal to K3 X3 ऐसे बोलेंगे ना, ये फर्स्ट का फोर्स, ये सेकंड का फोर्स, ये थर्ड का फोर्स, फोर्स सेम है, एलोंगेशन थोड़ा ना सेम होगा। जिसकी स्प्रिंग टाइट होगी उसमें एलोंगेशन कम होगा, जिसका K ज्यादा होगा उसमें एलोंगेशन कम होगा, जिसका K कम होगा उसमें एलोंगेशन ज्यादा होगा, तब जाके फोर्स सेम आएगा ना तीनों में। हाँ सर समझ में आया। हाँ सर इसलिए बेसिक क्वेश्चन से इनसे तुम्हें बेसिक चीजों में भी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आती है, वो नहीं आएगी कम से कम तो उनको ढंग से समझोगे। ये बेसिक है फिर ये नहीं आएगा तो टफ कैसे करोगे? ठीक है लिखो। और क्वेश्चन करते हैं, 1 सेकंड पेंसिल डिस्चार्ज होगी। ये 4 kg, ये 2 kg, इसका K 50 न्यूटन पर मीटर। हमसे पूछा फाइंड
elongation in spring. आपको क्या बताना है? स्प्रिंग में elongation बताना है, बताओ. Okay, sir. देखो इधर, क्या इसमें टेंशन निकाल ली कितनी आई? ये टेंशन निकाल ली सबने? यस यस सर. कितनी आई टेंशन? अरे ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना. हाँ 18. कितना? 80 कैसे आएगी 60? ये दोनों रेस्ट पर है क्या? 20 और 20 न्यूटन और 40 न्यूटन. अरे तो ये एक ही स्ट्रिंग से थोड़ा ना तुमने पूरा 6 केजी लटका रखा है, जो तुम ऐड कर दोगे दोनों टेंशन. 20 न्यूटन. अरे यार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकला बिल्कुल भी. ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर एफबीडी बना के टेंशन निकालो. ऐसे निकालते हैं ना, डायरेक्ट निकालना बताया क्या मैंने कभी? एक्सेलरेशन कितना आएगा? इस पर नीचे कितना लग रहा है? 40. इस पर कितना लग रहा है? 20. तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 40 माइनस, ये तो अभी पुली तो रेस्ट पर है ना, फिक्स पुली बन गई ना ये तो. ये पुली तो ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गई, उसके बाद ही पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया. अब ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ये पुली इक्विलिब्रियम में. समझ में आया क्या? Yes, अरे असलो तो बोलो. Yes, फोर्स कितना लग रहा है? 40. ये वाला इसको नीचे ले जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये 20 अपोज कर रहा है. समझ में आया? तो 40 माइनस 20 अपॉन 6 कितना आया एक्सेलेरेशन? 10/3. अब एफबीडी बनाओ किसी भी एक की, 4 केजी की बना दो एफबीडी. ऐसे डायरेक्ट टेंशन निकलती है क्या? तो 4 केजी पर 40 नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है और ये नीचे जा रहा है एक्सेलेरेशन से. तो बताओ 40 बड़ा या टी बड़ा? 40 बड़ा. 40. तो क्या लिखोगे? एक्सेलेरेशन इज, या फिर ऐसे लिख दो नेट फोर्स 40 माइनस टी इज इक्वल टू मास. मास कितना है? 4 × 10/3. समझ में आया? तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 40/3. 3 एलसीएम आएगा, 120 माइनस 80/3 न्यूटन आएगा टेंशन. कहां से 60 न्यूटन ले आए तुम? ऐसे कितने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था. समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? यस सर. अब इस पुली को देखो, इस पुली पर नीचे इधर से टेंशन टी लग रहा है, इधर से टेंशन टी लग रहा है, ऊपर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स एफएसपी लग रहा होगा. समझ में आया क्या? यस. हाँ तो पुली पर फोर्स ऊपर का नीचे का बैलेंस रहता है, क्योंकि पुली भी मासलेस है. तो एफएसपी इज इक्वल टू क्या होगा? 2t. स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? kx इज इक्वल टू 2 × 80/3. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 80/3 अपॉन 50. समझ में आया? तो ये आएगा 16/15 मीटर. अरे अब थोड़ा सा अपना माइंड यूज करने लग जाओ, ऐसे नहीं डायरेक्ट देखा और क्वेश्चन सोल्व कर दिया अपनी मर्जी से. सोचो ना क्या हो रहा है इसमें, कौन चल रहा है, कौन रेस्ट पर है, स्प्रिंग एलोंगेट है या कंप्रेस है, क्या है, ये सब सोचना पड़ता है. आ गया समझ में? अभी क्वेश्चन कैसे करना था? यस सर. यस सर. एक और चीज देखो, जब हमें एक्सेलेरेशन निकालने की जरूरत नहीं होती, जैसे इस क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन की जरूरत नहीं थी फिर भी हमने निकाला क्योंकि टेंशन निकालना था, तो उस केस में एक्सेलेरेशन निकाले बिना टेंशन निकालने के लिए मैं डायरेक्ट तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो याद रखो. ये M1 M2 ब्लॉक है और मान लो आपको स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है. ये स्ट्रिंग में क्या निकालना है? टेंशन. मान लो कोई एक ब्लॉक नीचे जा रहा है, कोई एक ऊपर जा रहा है, टेंशन निकालना है. समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2.
समझ में आया? यस सर। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ये 80/3 आएगा, इसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तो m1 m2 की। समझ में आया? अब ये मत सोचना ये कैसे आया है, तुम निकाल सकते हो ये फॉर्मूला। m1 m2 एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन कितना आएगा, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा ना एक्सेलेरेशन? यस सर। और फिर किसी एक बॉडी की एफपीडी बना दो, टेंशन आ जाएगा ये। समझ में आया क्या? हाँ, तो अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बट ये याद रखना है फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब पुली रेस्ट पर हो, ओनली ब्लॉक मूव कर रहे हो, जैसे इस केस में पुली रेस्ट पर थी, ओनली ब्लॉक मूव कर रहे। समझ में आया? यस। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग आलसी होती है, पढ़ाई नहीं करती स्प्रिंग। बोलो स्प्रिंग क्या होती है? लेजी होती है, आलसी होती है। कैसे आलसी होती है वो समझते हैं, अगर तुम वो चीज समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, वरना दिक्कत आएगी। ध्यान से देखो, डायरेक्ट एक क्वेश्चन देता हूँ, उसी में समझाऊंगा थ्योरी पार्ट। क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो देखते हैं। मान लो 3 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है। समझ में आया? तो देख के मुझे बताओ, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ नहीं होगी। अरे स्प्रिंग के नीचे आप कोई भी ब्लॉक अटका दोगे तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी, सही ना? इतना क्या सोचना। समझ में आया? यस। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि नीचे 40 लग रहा है तो ऊपर भी 40 लगाना पड़ेगा। ये कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। समझ में आया क्या? यस सर। ये सेम 40 स्प्रिंग दोनों तरफ से लगाएगी, तो इस स्ट्रिंग की तरह लगाती है स्प्रिंग। समझ में आया क्या? दोनों तरफ से खींचती है, आप स्प्रिंग को पकड़ के देखो दोनों साइड से और खींचो तो दोनों तरफ से खींचेगी वो। समझ में आया? सेम फोर्स से, तो ये भी 40 N स्प्रिंग फोर्स, प्लस ये 30 और लग रहा है। समझ में आया? यस सर। यस सर। और यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा ऐसे, कितना? 70 N। समझ में आया? यस सर। अब देखो, अब हमने क्या किया, एक कैची लाए, और इसको कट कर दिया। समझ में आया? पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हमने कैची से इसको कट कर दिया, और कट करने के जस्ट बाद हमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg एंड 4 kg जस्ट आफ्टर कट। अब देखो, जैसे आपने स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग तो सडनली, स्ट्रिंग की टेंशन तो जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग में टेंशन होगी कि नहीं होगी स्ट्रिंग को कट करते ही? सोचो आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो ये जो इस बची हुई जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितनी होगी? जीरो। कट करते होगी कि नहीं होगी? Yes. समझ में आया? ब्लॉक के पास जो ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली नीचे वाली स्ट्रिंग, इसमें भी टेंशन जीरो हो जाएगी कट करते। समझ में आया क्या? Yes, sir. जस्ट आफ्टर कट का मतलब क्या है कि जैसे आपने कट किया उसके 0.00000000 सुबह से लेके शाम तक जीरो, या सुबह से लेके अगले साल तक इतने जीरो के बाद 1, इतने सेकंड बाद की बात हो रही है। समझ में आया क्या? जस्ट आफ्टर कट मतलब कट करते ही उसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं 1 सेकंड बाद या थोड़ी सी देर बाद।
जस्ट आफ्टर कट की बात हो रही है, समझ में आया? आया समझ में? यस सर। सो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की टेंशन लेजी नहीं होती बिल्कुल भी, जैसे कट किया जीरो हो गई, टाइम नहीं लगता इसको जीरो होने में। आया समझ में? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, स्प्रिंग में कुछ बात अलग होती है, क्योंकि स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स। स्प्रिंग फोर्स तभी जीरो होगा जब एक्स जीरो होगा, समझ में आया क्या? यस सर। स्प्रिंग फोर्स तभी जीरो होगा जब एक्स जीरो होगा। तो मुझे बताओ, मान लो अभी इसमें एलोंगेशन मान लो 2 मीटर का है, 2 मीटर का इसमें एलोंगेशन है, कितने के मीटर का है? मान लो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? 40। मान लो के 20 है, तो एक्स कितना आएगा? 2 मीटर आएगा ना, ऐसा मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे बताओ, जैसे आप स्ट्रिंग को कट करोगे, क्या जस्ट आफ्टर कट ये एलोंगेशन जो अभी 2 मीटर का है वो सडनली जीरो हो जाएगा, या थोड़ा सा टाइम लगेगा जीरो होने में? टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगेगा कि लगेगा? हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं डायरेक्ट स्प्रिंग को ही कट करता तो उस फिर कोई टाइम लगता जीरो होने में, समझ में आया? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को कट किया ना, ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग यहां से कट किया मैंने इस जगह से, तो स्प्रिंग के तो दोनों साइड पर मास कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग को एक 2 से 0 होने के लिए इन मास को मूव कराना पड़ेगा, समझ में आया? कराना पड़ेगा, नहीं करना, आया कि नहीं आया? समझ, तो मास को मूव कराने के लिए एक पक्का स्प्रिंग फोर्स 0 तो होगा, इसको कट करते ही स्प्रिंग नेचुरल लेंथ की तरफ तो आएगी, बट टाइम लगेगा, समझ में आया क्या? जैसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, ये इधर से स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी इलोंगेटेड है, ये स्प्रिंग क्या अभी इलोंगेटेड है, समझ में आया? या फिर स्ट्रिंग की जगह मैंने मैंने खुद ने पकड़ रखा है इसको और खींच रखा है ऐसे इस ब्लॉक को, समझ में आया? इलोंगेट कर रखा है इस स्प्रिंग को, ठीक है? और इधर से मान लो एक मैन ने पकड़ रखा है, ब्लॉक नहीं इधर से, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब अगर मैंने इसको छोड़ दिया, अभी इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर, मान लो एफएसपी लग रहा है, मैंने इसको छोड़ दिया, समझ में आया? तो इसमें एक्सेलरेशन इधर छोड़ते इधर, ये अभी मैंने भी इतना ही फोर्स लगा रखा था इसको, एफ इक्वल टू एफएसपी, जैसे मैंने इसको रिलीज किया, जैसे इसने रिलीज किया, इस पर ये फोर्स जीरो हो जाएगा, तो अकेला यही फोर्स बचेगा, समझ में आया क्या? यस सर। हां सर। इतना एक्सेलरेशन इधर आएगा, कितना आएगा बोलो? इसका मास से मान लो m, तो आएगा fsp by m। आया समझ में? ओके सर, समझा। मान लो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और मास है 2 kg, मान लो मास है 5 kg, तो एक्सेलरेशन आएगा, अज्यूम अज्यूम एक्सेलेरेशन आएगा 4 m/s² का, समझ में आया क्या? हाँ, अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। इसमें मान लो एलोंगेशन था, एलोंगेशन था एक्स इक्वल टू 2 m का, और एक्सेलेरेशन है 4 m, तो ये जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? 2 = ut + ½at² ये इक्वेशन लगा लो, यू जीरो मान लो, ए को 4 रख दो, समझ में आया? तो t इक्वल टू 1 सेकंड लगेगा, इन लगेगा, सोल्व करके देख लो, आया क्या समझ में? इसको अपनी नेचुरल लेंथ पर आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा, इन लगेगा? यस सर। यस सर। तो स्प्रिंग फोर्स क्या जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तब जीरो हुआ, या 1 सेकंड बाद जीरो हुआ? एक सेकंड बाद। समझ में आया, ये चीज समझ में आई? इलोंगेशन, ठीक है? अब दूसरी साइड से देखो, अगर मैं इधर से छोड़ देता हूं, तो इधर से छोड़ना मतलब स्प्रिंग को कट करने जैसा ही हो गया,
इस तरफ से कोई मास नहीं है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, अभी स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा था FSP, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा FSP, इधर से छोड़ दिया तो, अगर इधर से रिलीज किया तो FSP अपॉन जीरो, समझ में आया? मास तो जीरो है ना इस तरफ, तो इस तरफ कोई ब्लॉक कनेक्टेड है क्या? नो सर। अरे इस तरफ कोई ब्लॉक कनेक्टेड है क्या? नहीं है ना। अरे इतना सही तो पूछा है, इस तरफ कोई ब्लॉक कनेक्टेड है क्या? तो बोलो ना, नहीं है सर। नो सर। तो इसलिए मैंने मास जीरो लिया, ये तो एक्सटर्नल एजेंट है, इसने तो फोर्स पकड़ के पकड़ा हुआ था इसको, जैसे इसने छोड़ा, अब स्प्रिंग के पास सिर्फ ये फोर्स बचा है, उस फोर्स से स्प्रिंग अंदर जाएगी तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? इनफिनाइट आएगा, जीरो नहीं आएगा, वेरी लार्ज आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, समझ में आया? और x इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर में आप एक्सेलेरेशन इन्फिनिटी रखोगे तो t आएगा x अपॉन इन्फिनिटी, मतलब जीरो आएगा t, समझ में आया? अरे इन्फिनिटी से टाइम जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि एक्सेलेरेशन इतना ज्यादा है कि वो जीरो टाइम में अपनी नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी, समझ में आया? इधर से छोड़ोगे तो आया समझ में? Yes, sir. अगर आप इधर से छोड़ोगे तो टाइम जीरो लग रहा है, इधर से छोड़ोगे तो वन सेकंड लग रहा है, तो इधर से स्प्रिंग ले जाइए, इधर से नहीं है, इधर से आलसी है क्योंकि इधर से मास कनेक्टेड है ना, समझ में आया? Yes, sir. तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है, इस क्वेश्चन में लगाना है, वो सब मैं समझा दूंगा आपको, दो तीन क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कब जीरो होती है कब नहीं होती। अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ से मैंने इसको कट किया तो एक तरह से ये इधर वाला एग्जांपल है, स्प्रिंग को मास को लेके जाना है तो सडनली तो जीरो नहीं होगा, टू से जीरो होगा क्या? नहीं होगा। तो इस तरफ से देखेंगे तो स्प्रिंग लेजी है, अगर मैं कैची यहाँ चलाता बीच में चलाता तो स्प्रिंग फोर्स सडनली जीरो हो जाता, होता कि नहीं होता? फिर वो इधर वाला एग्जाम्पल हो जाता, समझ में आया? अगर स्प्रिंग को यहाँ स्प्रिंग के बीच में से कट कट कर देंगे तो जस्ट आफ्टर कट ही स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, आया समझ में? बट अगर यहां से कट करेंगे तो जस्ट आफ्टर कट जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, चाहे वो 0.1 सेकंड लगे, 0.2 सेकंड लगे या 1 सेकंड लगे, समझ में आया क्या? यस सर। तो अब इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट लगाना है और इसको सोल्व करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जस्ट आफ्टर कटिंग T तो जीरो हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग को ही आपने कट कर दिया, समझ में आया क्या? तो स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो जाएगी, बट FSP जीरो नहीं होगा, FSP तो जस्ट आफ्टर कट उतना ही रहेगा, इसको चेंज होने में टाइम लगेगा, समझ में आया? तो जस्ट आफ्टर कट मतलब उसी टाइम पर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ी देर बाद ही कम होगा क्योंकि एलोंगेशन कम होने में टाइम लग जाएगा, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो अब हमसे क्या पूछा है, जस्ट आफ्टर कट एक्सेलेरेशन बताना है 3 kg और 4 kg का, समझ में आया? तो जस्ट आफ्टर कट FVD बनाओ, फोर केजी की और 3 kg की, 4 kg पे 40 N है, ये तो वेट है, ये तो स्प्रिंग या स्प्रिंग को कट करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया क्या? इसमें कोई चेंज नो चेंज आया, आया समझ में? Yes, sir. तो इसका एक्सेलेरेशन तो जीरो होगा 4 kg का, जस्ट आफ्टर कट, क्योंकि इस पर ऊपर अभी भी उतना ही लग रहा है जितना नीचे लग रहा है, समझ में आया? तो जैसे आप इसको कट करोगे थोड़ी देर तक ये रेस्ट पर ही रहेगा, इसको पता ही नहीं लगेगा ऊपर क्या हुआ है मेरे ऊपर, इसका दिमाग थोड़ी देर बाद चलेगा, समझ में आया क्या? यहाँ कट करने से
इसके ये 40 तो पहले से लग रहा था वेट, ये तो हमेशा लगेगा, इस पर कोई चेंज नहीं आया तो इसका एक्सेलरेशन अभी भी जीरो, थोड़ी देर बाद ये नीचे गिरेगा, जस्ट आफ्टर कट तो नहीं गिरेगा पत्ता। अब 3 kg की अगर मैं FBD बनाऊ, चाहो तो अलग अलग बना लो, 3 kg की अगर मैं FBD बनाऊ तो 30 नीचे लग रहा है इसका वेट, और वो जो स्प्रिंग फोर्स है ये वाला, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज लिख देता हूं मैं, क्योंकि स्प्रिंग लेजी होती है, समझ में आया क्या? और ऊपर वाला टेंशन ये जीरो हो जाए, समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। तो इस पे नेट फोर्स नीचे लग रहा है 70, कितना लग रहा है 70, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 70/3 आएगा, आया समझ में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना तेज एक्सेलरेशन आएगा इसका, ठीक है? यस सर। जस्ट आफ्टर कट, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स दोनों पर जीरो हो जाएंगे, तो ये दोनों फिर फॉल करेंगे, समझ में आया? ये भी 40/4 10 के एक्सेलरेशन से, 30/3 ये भी 10 के एक्सेलरेशन से, आया समझ में? फिर तो ये अलग हो गया ना, फिर तो फ्री फॉल करेंगे नीचे आराम से, समझ में आया? वहां की बात नहीं कर रहे हम, हमसे पूछा था जस्ट आफ्टर कट, क्लियर है? यस सर। तो आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं लिख देता हूँ, फिर एक साथ लिखना। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो इमिजिएटली चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज इमिजिएटली। कब? अगर हम स्ट्रिंग को कट करते हैं जिससे वो कनेक्टेड था दूसरी तरफ से, जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, समझ में आया क्या? ये जो हमने क्वेश्चन किया उससे यही चीज तो लिख करी है मैंने इस क्वेश्चन में, ये इमिजिएटली चेंज नहीं होता, स्ट्रिंग को कट कर दो, समझ में आया? यस सर। इसका रीजन चाहो तो लिख लो, बिकॉज इट टेक्स टाइम्स टू कम टू नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, समझ में आया? इसी बात को बोलते हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, बोलते हैं कि मैंने लिखवा दिया ताकि आपको याद रहे, समझ में आया? यस। और टेंशन फोर्स जो होता है वो इमीडिएटली जीरो हो जाता है, जस्ट आफ्टर कटिंग। ठीक है, और एक और बात, स्प्रिंग कब जल्दी से जीरो हो जाता है? जब आप स्प्रिंग को ही कट कर दो, वो भी लिख लेते, समझ में आया? स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली reduces to zero just after cutting of spring। ठीक है, लिखो ये सारी बातें। ठीक है, हमसे क्या पूछा, सेम क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कट। ठीक है, तो चलो टाइम ज्यादा नहीं है, तो मैं पूछते जाऊंगा, तुम्हें आंसर देना है ना? ठीक है, तभी तुम्हारा दिमाग चलेगा। तो सबसे पहले क्या करें बताओ, सबसे पहले कट करने से पहले इनके इनमें कितना फोर्स था वो निकालना पड़ेगा। आवाज आ रही ना? यस सर। यस सर। यस सर। सो वो कैसे निकालते हैं, वो सबसे इजी काम है, नीचे से शुरू हो जाओ, क्योंकि नीचे से ऊपर तक फोर्स बढ़ता जाएगा। सबसे नीचे ये वाला ब्लॉक रेस्ट पर है, सबसे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इस पे 40 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पर टेंशन 40
14 न्यूटन लग रही होगी, समझ में आया? यस यस। ये टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम रहेगी, ऊपर ऐसे लग रही होगी नीचे की तरफ इस 3 kg ब्लॉक पर। अब 3 kg ब्लॉक को देखोगे तो 40 नीचे लग रहा है और इसका वेट, वेट नहीं भूलना है कभी भी, 30 भी लग रहा है। तो इस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा बताओ जल्दी? 70 न्यूटन। सेम स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा 70, समझ में आया? यस सर। देन एक 10 न्यूटन ये लग रहा होगा, तो यहाँ पर टेंशन क्या लग रही होगी? 80 न्यूटन, समझ में आया क्या? यस यस सर। अब हमने कट कर दिया, तो सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, कट करने के बाद इसमें क्या चेंजेस आएंगे? ये 1 kg का ब्लॉक है ना, जैसे कट करोगे इस पे नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, टेंशन बिल्कुल बहुत फास्ट है टेंशन, इसमें बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होती है, एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, इस पर टेंशन भी एडजस्ट हो जाएगी 10 न्यूटन, समझ में आया? यस सर। टेंशन क्यों आती है उसका रीजन समझो, टेंशन आती है स्प्रिंग में, स्ट्रिंग को कितना आपने टाइटली खींचा हुआ है उतनी टेंशन आती है। तो 1 kg ब्लॉक 10 न्यूटन से ज्यादा खींच पाएगा क्या स्ट्रिंग को? नहीं खींच पाएगा ना। नो सर। इसलिए टेंशन 10 न्यूटन हो गई, पहले ये सब मिलके खींच रहे थे, ये सब मिलके सबका टोटल मास कितना था 80, इसलिए टेंशन 80 आ रही थी। अब जैसे हमने बीच में से कट कर दिया, ये तो अलग हो गया ना सिस्टम पूरा, अब सिर्फ ये खींच रहा है, इसलिए टेंशन कितनी हो गई 10 न्यूटन। तो अब भी एक्सेलरेशन तो इसका तो जीरो ही होगा, इसका एक्सेलरेशन मान लो मैं इनको ए बी सी बोल देता हूँ, तो ए का कितना होगा? जीरो। समझ में आया? Yes. आया समझ में? ये वाले फोर्स का क्या हुआ? ये 7, ये स्प्रिंग फोर्स है ना, ये कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स है। आपने स्प्रिंग को ही कट कर दिया, अगर आप स्प्रिंग को ही कट कर देते हो तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली रिड्यूसेस टू जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो बचा क्या 10 न्यूटन, समझ में आया? यस सर। यस सर। और इस पर भी क्या, ये जीरो हो जाएगा। तो अब ये 3 kg और 4 kg हमने कट कर दिया, तो ये तो फ्री फॉल वाली कंडीशन में आ गए, समझ में आया? आएगा समझ में? यस सर। मुझे बताओ अब स्ट्रिंग में टाइटनेस होगी क्या? अब इस स्ट्रिंग में टाइटनेस होगी क्या? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं ना अब, तो समझ में आया क्या? तो ये टेंशन तो जीरो हो जाएगी इसमें, आया समझ में? तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना आएगा? इस पर 14 न्यूटन लग रहा है नीचे, ये 10 से नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी 10 आएगा और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी 10 आएगा, ये फ्री फॉल कर रहे हैं ना ग्रेविटी में, समझ में आया? इसलिए टेंशन जीरो हो गई। आया समझ में? यस सर। यस। अगर यहाँ स्प्रिंग होती तो फिर कुछ और रिजल्ट आता, वो इस क्वेश्चन की तरह आता, समझ में आया क्या? हाँ, वो वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अगर यहाँ स्प्रिंग होती तो फिर ये 40 और ये 40 जीरो नहीं होता, समझ में आया? तो इसमें एक्सेलरेशन आता कितना आता 70/3 और इसमें जीरो आता, समझ में आया क्या? स्प्रिंग को कट किया है, स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है, तो फ्री फॉल हो जाएगा, तो नीचे गिरेगा डायरेक्ट, समझ में आया? लिखो। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, दोनों के एक्सेलरेशन बता दे, बताओ जस्ट आफ्टर कट, कब बताने? जस्ट आफ्टर कट, तो सबसे पहले कितने फोर्स लग रहा है कट करने से, जस्ट पहले वो निकालना है,
फिर उनके हिसाब से आंसर देना है। कितना लग रहा है इसको नीचे 30 सर जो 3 केजी वाले उसके अंदर 10 आएगा एक्सेलरेशन और सर जो 5 वाला है उसके अंदर सर 80 आएगा नहीं 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 सर इस पर भी 30 लग रहा होगा 10 हाँ कितना 5 के ऊपर 60 No. इधर देखो इस पे सेम 30 नीचे लग रहा होगा प्लस इसका वेट 50 नीचे लग रहा होगा ऊपर इस पे कितना लग रहा होगा FSP 80 समझ में आया। अब जैसे आप स्ट्रिंग को कट करोगे टेंशन तो जीरो हो जाएगी जस्ट आफ्टर कट तो 3 kg ब्लॉक पर तो ऊपर की टेंशन जीरो हो गई तो इस पर तो नीचे 30 न्यूटन बचेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 10 समझ में आया मतलब जी के इक्वल 5 kg ब्लॉक पर क्या स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा नहीं होगा ना नहीं सर आपने स्प्रिंग को थोड़ा ना कट किया स्प्रिंग को क्या स्प्रिंग ले जी टाइम लगेगा और नीचे इसका वेट वो तो लगेगा इसको थोड़ा ना भूलना है इसको भूल गए आप तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा ऊपर 80 लग रहा है ऊपर की तरफ आएगा ना ऊपर बढ़ाए कितना आएगा 80 yes, नीचे माइनस 50 अपॉन 5 अपॉन 5 ओके सर 50 लेना हां सर अरे वेट कैसे बोल सकते हो वेट तो पक्का लगेगा ना सर फुल्ली टेंशन जीरो हुआ वेट थोड़ा ना जीरो हुआ ये टेंशन जीरो हुआ वेट जीरो नहीं हुआ वेट तो वही लगेगा हाँ सर लिख लो